गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेक्चर 5.4 आपकी छूटी हुई है। ठीक, इसे जरा देख ले। पहले पहला सवाल आपको बता दिया गया था, 5.4 का पहला भी बता दिया गया था, चौथा भी बता दिया गया था। सवाल नंबर बचा है दूसरा और तीसरा। आपको बताया गया था तीन संख्या अगर मानना है तो क्या मानोगे, ए मानोगे और ए माइनस बी और ए प्लस डी, ए माइनस बी और ए प्लस डी, तीन संख्याएं मानने के लिए आपको बताया गया था। अगर ये संख्याएं मानते हो तो आपको प्रणता रहती है। चार संख्याओं के लिए पांच संख्या बताया गया है। तेज नंबर आपके 92 पे लिखा हुआ है। समांतर श्रेणियों में पदों का चयन, तीन पद मानना है, दो चार पद, पांच पद। ठीक, अब देखो सवाल नंबर दूसरा पहले पढ़े ध्यान से। क्या लिखा है, करार की तीन संख्याएं एपी में है जिनका योगफल 21 है तथा प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। तीन संख्याएं क्या लिखोगे, माना समांतर श्रेणी में, मानना समांतर श्रेणी में, माना समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं कौन कौन है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक, अब बताओ पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार तो शर्त कह रहा होगा, कह रहा है कि जिनका योगफल 21 है, मतलब तीनों संख्याओं का योगफल कितना है 21, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी बराबर कितना है 21, तो डी कट जाएगा, 3a बराबर क्या जाएगा 21, तो a बराबर का कितना जाएगा 7, a का मान कितना आ गया 7, कोई दिक्कत। अब बताओ सेकेंड शर्त के अनुसार कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, प्रथम तो यही हो गया, प्रथम तथा तृतीय, प्रथम और तृतीय पद, तृतीय पद को क्या कहते हैं, A3 कहते हैं भैया। तो बताओ A1 और A3 बराबर क्या लिखा है, A1 और A3 द्वितीय पद से का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। द्वितीय पद बताओ कौन है, द्वितीय पद A2 से 6 अधिक है। ठीक, ये तो कह रहा है देखो प्रथम पद और तृतीय पद द्वितीय पद से 6 अधिक है। अगर हम इसे हम मान लेते हैं क्या, A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं, इसे A3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, अगर इसे आप मानते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ अच्छा A1 का मान आपको कितना है, A1 A3 और A2 A2 का मान 7 दिया है, माना है ना, तो 7 प्लस 6। A1 का मान कितना दिया है, A माइनस B और A3 का मान दिया है A प्लस D, कोई दिक्कत, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बताओ क्या जाएगा, A² माइनस D² बराबर 7 × 6 = 13 होगा। अब बताओ A का मान तो हमने निकाल लिया है, क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड में A का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में A का मान रखने पर, A का मान है कितना 7² - D² = 13, ये तो है। अब बताओ 7 × 49 - 13 = D², तो दिक्कत। अब देखो 49 से 13 हटाओगे, 9 से 3 = 6, 4 से 3 = 3, 36 आ जाएगा। अब बताओ तो D² क्या आ जाएगा, 36, तो D² आ जाएगा प्लस माइनस का 6, आंसर इसके कितने आएंगे, तो एक बार प्लस के लेने पर एक बार माइनस के लेने पर, तो क्या लिखोगे D प्लस का 6 लेने पर। ठीक, और D का मान किसी में रख दो, इसमें रख दे, अगर आप समीकरण डी का मान निकल आया, डी का मान भी निकल आया, ए का मान भी निकल आया है। अब बताओ पूछ क्या रहा है, तो संख्याएं बताओ और तेरा तीनों संख्याएं बताओ। तो बताओ पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली ये मान लीजिए ए माइनस डी, ये संख्या 7 आई और एक का 7 - D तो -6, ए 7 और यहाँ पर क्या रखोगे, डी का मान 6 प्लस का रखोगे तो 7 × 6 = 13। ठीक, एक आंसर आएगा 1 7 13, एक आंसर क्या आएगा, देखो ए का मान 7 है, ठीक, डी का मान अगर आप माइनस का 6 रखते हैं तो यहाँ क्या जाएगा,
सात छह तेरह प्लस का आ जाए। अभी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ रखोगे माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी का मान माइनस का रखोगे तो क्या जाएगा ए। तो आंसर संख्याएं तुम्हारी वही आई, क्या आई एक सात तेरह या तेरह सात एक। इसमें क्या हुआ, ये घटते हुए क्रम में हो गया, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। क्या लिखा है कुछ, क्या लिखोगे तीन संख्या डी बराबर छह रखने पर, क्या लिखोगे डी बराबर छह रखने पर प्लस का छह रखने पर ठीक। तो साओ पहली संख्या, पहली संख्या ए वन है भैया, तो ए वन बराबर आपने माना क्या है ए माइनस डी। एक का मान कितना आया था साठ, डी का मान छह आया तो एक आ गया। दूसरी संख्या मानी, दूसरी संख्या क्या है ए टू, लिख देना इतना लिख देना भैया। अब ए माइनस ए मानी है, दूसरी संख्या क्या है सात, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या ए थ्री बराबर ए प्लस बी मानी है, तो ए का मान सात डी का मान छह माना है तो तेरह। देखो ए सात तेरह, अगर माइनस काट हो गए तो माइनस का, तो माइनस का क्या संख्या जाएगी उल्टा आ जाएगी। इसके बाद देखो सवाल नंबर कितना है, कह रहा है कि चार संख्याएं ए पी में है, यदि संख्याओं का योगफल, सवाल नंबर चार जरा देखें, कह रहा है कि चार संख्याएं ए पी में है, यदि संख्याओं का योगफल 50 तथा सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटी संख्या का चार गुना है तो संख्याएं बताओ। बताओ देखो आपको लिखा है, अगर तीन संख्याएं मानना है तो क्या मानी थी a माइनस बी ए ए प्लस बी, याद रखना पड़ेगा भैया ठीक है। कितने संख्याओं के लिए है, तीन संख्याओं के लिए। अगर आपको चार संख्याएं मानना है तो क्या रखोगे a माइनस थ्री डी और इधर कर लेना a प्लस थ्री डी और a माइनस बी और a प्लस, क्या रखोगे a माइनस थ्री डी a माइनस डी और a प्लस डी a प्लस थ्री डी। ये चार संख्याओं के लिए दिया, तो पांच छह के लिए आप देख लेना क्या क्या लिखा जाएगा ठीक। अब बताओ क्या लिखोगे, माना एपी में, माना समांतर श्रेणी में, माना समांतर श्रेणी में चार संख्याएं कौन कौन मानी है a माइनस थ्री डी, तो तीन बार लगाओगे आराम से याद हो जाएगा a माइनस डी a प्लस बी और a प्लस थ्री डी ठीक। अब देखो पहली शर्त कुछ कह रहा होगा, प्रथम शर्तानुसार ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संख्याओं का योगफल 50 है a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस बी और a प्लस थ्री। बताए संख्याएं मानने का कारण है कि जो एक उसमें पोर्शन कट जाता है, एक घटता है उससे मान निकल जाता है, तो यहाँ कितना रहेगा 50 थ्री डी प्लस का थ्री डी माइनस का डी प्लस का डी माइनस का एक दो तीन चार, क्या बचा चार ए बराबर 50, तो ए बराबर क्या जाएगा 50 बटे चार, तो कितना जाएगा 25 बटे, तो ए का मान आ गया 25 बटे दो। अब देखो इसकी सेकेंड शर्त जरा, सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सा, सबसे बड़ी संख्या आप उम्मीद लगा सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, ये तो हो नहीं सकती, ना ये हो सकती ना ये हो सकती, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ये ए प्लस डी। सबसे छोटी कौन होगी, सबसे छोटी भी कौन होगी, यही तो होगी सबसे छोटी, बताओ ये वाली है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता होगी। मान लीजिए आपको एक का मान पांच दिया है ठीक, एक का मान पांच दिया है और बी का मान दो दिया है, ये तो सभी में है। अब बी के मान से फर्क हो जाएगा, मान लीजिए एक बी का मान आपको एक दिया है तो यहाँ कितना आ जाएगा पांच तीन आठ, यहाँ क्या जाएगा दो, यहाँ एक का मान कितना माना आपने पांच, एक का मान पांच यहाँ चार, यहाँ कितना जाएगा पांच एक छह, तो जो दो चार छह, तो समझ जाना पहली संख्या जो होगी सबसे छोटी बड़ी संख्या से क्या होगी, तो बाद वाली है, तो a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री। कह रहा क्या, कह रहा है अरे गुणन पर नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, कह रहा है कि
सबसे छोटी संख्या का चार गुना, सबसे बड़ी संख्या जो है ए प्लस थ्री डी सबसे छोटी संख्या का चार गुना है, तो चार गुना यही तो है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस थ्री डी और चार ए माइनस चार बारह डी, चार ए और यहाँ पर है तो लग नहीं रहता ए माइनस चार ए प्लस थ्री डी मतलब बारह डी बराबर जीरो, तो क्या जाएगा माइनस का थ्री ए और ये क्या आ जाएगा बारह तीन पंद्रह डी बराबर जीरो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्या पंद्रह डी बराबर थ्री ए, तो ए का मान तो मालूम है तो बताओ क्या रख दें काट मैंने पंद्रह, तो डी बराबर क्या आ जाएगा ए बटे पांच आ जाएगा ए बटे पांच, तो बताओ ए का मान क्या रखोगे, ए का मान रखने पर ए का मान रखने पर तो कितना मान आया था एक पच्चीस बटे दो, पांच पहले से लिखा है पच्चीस बटे दो पांच पहले से लिखा है तो पचम पच्चीस तो डी का मान आ गया पांच बटे दो, ए का मान मालूम हो गया पच्चीस बटे दो डी का मान पांच बटे दो, ध्यान से देखो पहले क्या कह रहा था, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में चार संख्याएं माने कौन, तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी संख्या हमने मान ली, पहली शर्त के अनुसार कह रहा था इनका योगफल जो है 50 है, तो यहाँ से हमने ए का मान निकाल लिया, उसके बाद सेकेंड शर्त अनुसार कह रहा था सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का चार गुना है, छोटी संख्या का चार गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी लास्ट वाली सबसे छोटी संख्या पहली वाली, तो आपको मालूम भी है कि एक तीन चार पांच जो लिखा होता है, अब देखो यहाँ से आपने डी का मान निकाल लिया पांच बटे दो, अब आपको निकालना है संख्याएं क्या लिखोगे साफ पर रह लिखोगे क्या लिखोगे अतः पहली संख्या अतः पहली संख्या अतः और कुछ नहीं पूछ रहा है चारों संख्याएं अतः पहली संख्या एवन एवन बराबर पहली संख्या क्या मानी है a माइनस थ्री डी, तो a का मान अभी हमने निकाला था 25 बटे दो और थ्री डी डी का मान कितना निकाला है 5 बटे दो, तो 25 बटे दो माइनस 15 बटे दो तो 25 से 15 घटाओगे कितना जाएगा 10 10 बटे दो कितना जाएगा 5 कितना जाएगा 5, फिर देखो दूसरी संख्या दूसरी संख्या ए टू बराबर बताओ दूसरी संख्या मानी है ए माइनस डी, तो ए का मान कितना है 25 बटे दो डी का मान 5 बटे दो, तो 25 से 5 जाएगा 20 बटे दो कितना जाएगा 10, इसी प्रकार तीसरी संख्या तीसरी संख्या ए ए प्लस डी मानी है तो ए प्लस डी मतलब 25 बटे दो प्लस 5 बटे दो 25 पांच 30 बटे दो मतलब कितना 15, ये तो जान सकते हो ठीक। अब देखो चौथी संख्या आप क्या मानेंगे चौथी संख्या चौथी संख्या चौथी संख्या ए फोर होती है, चौथी संख्या क्या मानी ए प्लस थ्री डी ए का मान है 25 बटे दो और थ्री डी बी का मान कितना है 5 बटे दो, तो 25 बटे दो 15 बटे दो पांच पांच दस दो तीन चार 40 बटे दो कितना जाएगा 20, क्या लिखोगे अतः वे चार संख्याएं कौन कौन सी आई हैं 5 10 15 20, आपको मालूम भी हो गया है आंसर देखो हमारा गलत है कि सही 5 10 15 20, बताओ ये जो है संख्याएं किसमें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, क्यों क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है 5 5 का है, 5 में 5 जोड़ो 10 10 में 5 जोड़ो 15 15 में 5 जोड़ो 20, इस पर 5.4 आपकी पूरी हो गई, ऐसे चार चार सवाल थे बता दिए गए और आपको होमवर्क जरा करना है कौन सा है इसके आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, कितने उदाहरण दिए गए हैं कि तीनों उदाहरण भी लगाना है ठीक। देखो जितने सवाल कराए जा रहे हैं फिर पे पूरी करते रहो भैया ठीक, 5.4 जो छूटी थी आपकी चारों सवाल बता दिए गए, अगर बाई चांस कोई भी सवाल छूटता है उसके लिए पेज छोड़ दो ना लगे पूछो। अब देखो
आपको बताया गया था एक्सरसाइज 5.5 आपको 1 से 10 तक सवाल एक एक करके बता दिया गया था। अब 1 से 10 तक 5.5 में विभिन्न प्रश्नावली बता दी गई थी सवाल नंबर 10 तक। अब देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक है जो सवाल, ऐसे सवाल आपको कराए गए। सवाल नंबर जो 16 है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग ना पढ़े हो। लिखा है समीकरण 1+4+7+10+1=5 लिखा है, क्या लिखा है देखो 1+4+7+10 डैश लिखा है बराबर कितना लिखा है 287 कह रहा है तो हल कीजिए। पहले आप लगाए ना लगे बता देंगे ठीक, केवल उसमें बड़ा बात करना है जो ए और डी के मान निकाला जैसे बताया ना सवाल नंबर 9 चलो ऐसे से भाई। अब बताओ क्या कुछ लग रहा है देखो 1+3+7+3+7+7+10 मतलब क्या लग रहा है समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद बताओ क्या इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना ए अंतिम पद क्या मान लेते हैं इसको हम एक्स मान लेते हैं एल बराबर मान लेते हैं एक्स तो दिक्कत। अब बताओ अब मालूम समांतर मालूम है सार अंतर डी बराबर सार अंतर डी बराबर मालूम है क्या 4 से 1 घटाओ 3 सार अंतर 3 हो गया। आपको मान निकालना है एक्स का, यदि हमें आपको मालूम है कि एस एक्स का मान जो दिया है कितना दिया है 287 दिया है। पहले हम एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का पहले हमें एन मालूम हो, क्या मालूम हो एन, तो देखो क्या किससे एन मालूम हो रहा है ए एन बराबर कुछ पढ़ा था कभी a+(n-1)(3)। अब बताओ एल बराबर a+(n-1)(3) तो यहां से एल ए और डी आपको मालूम है तो यहाँ से हो सकता है कि आप एक्स का मान जो है एन का मान को निकाल लें, नहीं तो क्या आप इसका फॉर्मूला लगाएं एस एन बराबर क्या n/2 और 2a+(n-1)(d)। अब बताओ एस एन का मान हमें लग रहा है कितना दिया है 287 भाई सभी का योगफल दिया 287 तो n/2 एन का मान ही नहीं मालूम को मालूम है मालूम लगा देना ए का मान कितना मालूम है 2 × 1 और एन का मान n-1 × d डी का मान कितना निकला था ठीक है तो बताओ 214 2 8 16 17 2 2 4 5 274 आ जाएगा ठीक। यहाँ क्या आएगा एन यहाँ 2 यहाँ 3n-3 ठीक है। अब देखो इधर 574 एन का मान यहाँ से माइनस का एन हो जाएगा तो 3 से 2 जाएगा माइनस का 1 तो माइनस का एन आ जाएगा ठीक भैया। अब प्लस का क्या जाएगा 3n² तो दिक्कत। अब बताओ अब 3n² - n और माइनस का 574 3n² - n - 574 बराबर 3। आप बताओ अगर इसके आप फैक्टर करेंगे ए का मान 1 ही था ठीक था और डी का मान 3 था 3 सही है डी का -1। अब बताओ यहां से अगर आप एन का मान निकाल लें किसका मान एन का मान निकालेंगे से देखो 3 × 12 3 × 21 और 15 × 21 15 15 17 आ जाए 1722 कैसे फैक्टर करना यहां से एन के मान हो सकता है 2 आ जाए ठीक। एन का मान मालूम है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है एन का मान ऋणात्मक जो आएगा वो मान हो जाएगा उसके बाद एन का मान मालूम हो जाएगा उसके बाद आराम से आप एन बराबर रख देंगे a+(n-1)(d) यहां से एल बराबर एक्स का मान पूछ रहा होगा ये पूछ रहा है एक्स का मान ए का मान कितना है 2 एक है तो एन का मान कुछ भी आए मतलब वहां से निकाल के देना कितना आ रहा है और डी का मान निकाल दो। नंबर 17 देखने चाहिए देखो कह रहा है किसी एपी के प्रथम 5 पदों के योग और उसी एपी के प्रथम 4 पदों के योग इतना है के प्रथम 10 पदों का योग 235 है बहुत बड़ा बढ़िया सवाल है क्या लिखोगे माना समांतर श्रेणी का माना समांतर श्रेणी का माना
श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है? टी है। ठीक, अब देखो जो कह रहा है कराए कि एपी के प्रथम पांच पदों का योग और उस एपी के प्रथम सात पदों का योग। पहले क्या प्रथम पांच पदों का योग ऐसे माना फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू, यही तो होता है। इनका मान कितना दिया है? पांच, प्रथम पांच पदों का पांच बटे दो टू ए प्लस क्या पांच ए पांच माइनस ए इंटू डी का कितना रहेगा? पांच बटे दो यहाँ क्या रहेगा? टू ए प्लस फोर डी। अब बताओ गुणा करो, जरा देखिए पांच को गुणा करोगे क्या रहेगा? पांच उन्नीस दस ए पांच चकू बीस डी बट्टे क्या रहेगा? दो उसके बटे दो आ जाएगा तो पंचे दस, ऐसा ना करें और यहाँ क्या दस आ जाएगा? नहीं तो कामन ले लेते दो तो भी आ जाता, क्या रहता पांच ए प्लस दस भी आ गया। ठीक, जस्ट फाइव आया भैया। ठीक, अब देखो प्रथम पांच पदों का क्या कह रहा है? प्रथम पांच पदों और उसी एपी के प्रथम सात पदों का एस सेवन बराबर, एस सेवन बराबर क्या रहेगा? सात बटे दो टू ए प्लस सात माइनस एक इंटू डी। ये तो जान गए क्यों एस सेवन फॉर्मूला होता है टू क्यू प्लस माइनस इंटू डी। अब बताओ एस सेवन सात बटे दो टू ए प्लस सिक्स डी, ये तो आएगा। बताओ दो कॉमन वन ले लिए, सात पहले से लिखा था, सात पहले से लिखा तो कॉमन और ले लिया हमने, तो यहाँ क्या रहेगा? ए प्लस थ्री डी। अब बटे क्या तो लिखा है तो क्या रहेगा? सेवन ए प्लस सात थ्री डी, ऐसे होगा। देखो अब इसे मान लीजिए आप यहाँ क्या करते हैं चौदह ए बटे दो प्लस सात चल बयालीस बटे तीन बटे दो इक्कीस आता है, कितना आता है? सात ए इक्कीस दिया गया। अब बताओ कुछ शर्त कह रहा है कि उनका योग पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? इनका इन दोनों का योग तो पांच ए प्लस दस डी सेवन ए प्लस बारह डी बराबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सौ सड़सठ है, वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन। ठीक, देखो जोड़े कुछ जुड़ेगा, सात पांच बारह ए प्लस दस बारह बाईस बी बराबर वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन। कोई दिक्कत? ये समीकरण बना लेना आप तो फाइव से उनका क्यों बनाएंगे, फायदा ही नहीं कोई, क्योंकि तो दिया था शर्त ही था, समीकरण कसना नहीं। अब सेकेंड शर्त क्या कह रहा है इधर लीजिए, और सेकेंड शर्त के अनुसार बड़े बड़े सवाल भी आए। ठीक, सेकेंड शर्त के अनुसार करा प्रथम दस पदों का योग दो सौ सैतीस है, तो दस पदों का योग मतलब एस टेन बराबर दस बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उनका योग क्या दे दिया है? कह रहा है कि वन हंड्रेड सिक्सटी से नहीं, दस पदों का दो सौ पैंतीस है, दो सौ पैंतीस यहाँ दस है पहले से मौजूद, यहाँ क्या रहेगा? टू ए प्लस नौ डी। तो यहाँ आप पहले क्या कर दो सौ पैंतीस दस दस गुना बीस बटे दो दस नवा नब्बे बटे दो यहाँ आ जाएगा पैंतालीस, यहाँ क्या जाएगा दस, मतलब कुछ नहीं दो कामा ले दो काटो बात हो गया जाता है। ठीक, यहाँ देखो दो काट के यहाँ मान लीजिए भाई दो कामा लेते दो कट जाता यहाँ कितना आता पैंतालीस आ गया। अब देखो दो सौ पैंतीस और बराबर दस ए और प्लस क्या क्या है पैंतालीस डी, पैंतालीस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखो कुछ है ही नहीं, क्या करें? अब देखो इसमें पांच तीन आठ दो दस कामन कुछ मिलेगा नहीं, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर हल कैसे करेंगे? समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा कराएंगे? समीकरण फर्स्ट में दस से गुणा कराएं, समीकरण सेकेंड में बारह से गुणा कराएं, उसके बाद आपको मान ए और डी के जो आ जाएंगे ए और डी के मान वही रख देना आ जाएगा।
देखो यहाँ से ए और डी के मान निकाल लेना। ए और डी के मान निकालने के बाद कह रहा है कि प्रथम रहित पदों का योग एस ट्वेंटी का मान निकाल लेना, ना निकले तो बताना फिर। ठीक अच्छा पहले क्या करोगे, इनका कह रहा था इनका योग कितना इतना है, फिर कह रहा था दस पदों का योग कितना है। ए और डी के मान समीकरण सेकंड और थर्ड को हल करने पर ए और डी के मान निकलेंगे, ए और डी के मान वहां रख देना, आराम से निकल जाएगा। ठीक आपको बताएगा, देखो एक्सरसाइज फाइव जो विविध प्रश्नावली है इसमें एक से मतलब 10 से 21 तक सवाल बताए गए। सबसे पहले आप लगाए, इसके बाद ना लगे तो पूछे।